स्पिनर जो थे ना उसका जो जादू चला है यहाँ पे मैचेस में, बाय बोलने लायक नहीं मतलब छोड़ रहा है साउथ अफ्रीकन बैट्समैन को। यहाँ पे स्टार बैट्समैन जो थे साउथ अफ्रीका के वो भी नहीं टिक पाए। सोचो अगर ये स्पिनर अगर वर्ल्ड कप में जाते खेलने के लिए, मतलब अगर मान लीजिए वो स्क्वाड में होता तो क्या होता है यहाँ पे। अभी तक तो यहाँ पे वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ नहीं। अगर सोच के देखें ना जैसे इन लोगों का जो परफॉर्मेंस था यहाँ पे स्टार बैट्समैन साउथ अफ्रीका के, क्विंटन डिकॉक यहाँ पे टिक नहीं पाए भाई, डेविड मिलर यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे स्पिनर के साथ साथ जो फास्ट बॉलर थे हमारे यहाँ पे जैसे कि मोहम्मद सिराज हो गया एंड अवेश खान, उन दोनों ने जो जादू दिखाया ना यहाँ पे इस टूर्नामेंट में बहुत ही बढ़िया जादू था यहाँ पे। और बढ़िया जादू इसलिए बोलूँगा क्योंकि मोहम्मद सिराज यहाँ पे क्या होते हैं हमेशा क्रूशल ओवर पे रन बचाते हैं। जैसे 19th ओवर का हमारा क्या है कर्स है कि हम लोग यहाँ पे 19वां ओवर में 26-30 रन पिटा देते हैं, बट उसको यहाँ पे साउथ अफ्रीका के T20 में दिया गया था ना यहाँ पे 20वां ओवर, उसने सिर्फ 8 रन ना 9 रन दिए थे। तो यहाँ पे बोल नहीं सकते कि भाई यहाँ पे मोहम्मद सिराज कितना बढ़िया बॉलर है। साथ साथ यहाँ पे अवेश खान का बीच में फॉर्म चला गया था, अभी वापस से बंदा फॉर्म में आ गया, मतलब क्या ही आउट करता है वो, जो स्पीड में बॉल डालता है। और मतलब क्या बताओ यार, पहला जो मतलब ODI हुआ था ना साउथ अफ्रीका का उसमें भी मतलब वो 3-4 विकेट ले ही लेता, कैच जो थे ना वहाँ पे हमारे प्लेयर्स ने कैच छोड़ दिया था। तो अवेश खान का उस दिन लक खराब था इसलिए यहाँ पे कैचेस वगैरह छूट रहे थे, नहीं तो अवेश खान के नाम पे उस दिन 5-6 विकेट होता, ठीक है। अब यहाँ पे जो थर्ड ODI थी उसमें भी यहाँ पे यही हुआ, अवेश खान ने 1 विकेट लिया यहाँ पे और बाकी 2 विकेट हमारे मोहम्मद सिराज ने निकाला है। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे उसके बाद जो स्पिनरों ने यहाँ पे जादू चलाया उसके बारे में। स्पिनर में स्पिनर है हमारे यहाँ पे, एक हो गया हमारा सहवाज अहमद, दूसरा हो गया हमारा कुलदीप यादव, तीसरा हो गया कौन वाशिंगटन सुंदर। भाई वाशिंगटन सुंदर का नाम में सुंदर है तो वो बॉलिंग भी बहुत ही बढ़िया करते हैं यहाँ पे। उसका जो गुगली होता है ना यहाँ पे जो मतलब वो बॉल डालते हैं यहाँ पे बढ़िया बॉल डालते हैं, मतलब यहाँ पे जो स्टार बैट्समैन है यहाँ पे साउथ अफ्रीका उसको भी पता नहीं चलता है कि भाई मारना किधर है और कैसे मारना है, वहाँ पे वो सीधा बोल्ड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ जो हमारा सहवाज अहमद है उसका, वो तो भाई बोलो ही मत, वो जो एकदम यंगस्टर प्लेयर है ना भाई उसके सामने तो भाई बड़े बड़े जो तुर्रम खान है वो भी मुद्दे देते हैं यहाँ पे, जैसे कि साउथ अफ्रीकन बैट्समैन ने मुद्दे दिया यहाँ पे, तो उसने भी यहाँ पे 2 विकेट लिए। और लास्टली यहाँ पे बोलूँगा मैं कुलदीप यादव ने थर्ड ODI में जो जादू चलाया यहाँ पे मेन बैट्समैन को उसने यहाँ पे आउट कर दिया। जैसे कि यहाँ पे कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए यहाँ पे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, तो भाई उससे हम लोगों ने क्या कर दिया साउथ अफ्रीका जो बैट्समैन था ना उसको यहाँ पे 100 रन भी पार नहीं कर दिया और 99 पे ऑल आउट कर दिया। आप सोचो इतना अच्छा यहाँ पे जो टैलेंट है हमारे इंडियन टीम में जो यंगस्टर के रूप में पड़े हुए हैं उसको अगर वर्ल्ड कप में भेजेंगे, मतलब आने वाले समय में जैसे नेक्स्ट ईयर आप वर्ल्ड कप आ रहा है 50 ओवर का, तो उसमें क्या जादू दिखेगा। और 50 ओवर में यहाँ पे तो स्पिनर चाहिए होगा, तो कुलदीप यादव, सहवाज अहमद और वाशिंगटन सुंदर इन लोगों का जगह बना हुआ है। बाकी फास्ट पेस बॉलर में मोहम्मद सिराज को चांस मिल सकता है, वो देखने वाली बात होगी। अब यहाँ पे बैट्समैन की बात करते हैं कि बैट्समैन में क्या जादू चलाया किसने। बैट्समैन में जो हमारा जादू चला यहाँ पे ईशान किशन ने सेकंड ODI में 93 रन मारा, बंदा यहाँ पे 7 रन से यहाँ पे चला गया, सॉरी हाँ 93 रन शायद मारा था, 97 रन मारा था उसने, 3 रन से आउट हो गया ऐसा कुछ था। तो भाई वो जो ईशान किशन का चलो 100 नहीं मार पाए कोई बात नहीं, उसके बाद ईशान किशन से पूछा भी गया कि आपको बुरा लग रहा है आप 100 नहीं मार पाए, तो ईशान किशन बोलते भाई नहीं मेरे को क्या बुरा लगे, मैं तो टीम के लिए खेल रहा था खुद के लिए थोड़ी खेल रहा था। तो भाई बंदा इतना काइंड हार्टेड है, ठीक है, उस पर कोई शक नहीं है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे संजू सैमसन, भाई उसका उसको ना आउट करना किसी भी वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर की मतलब बस की बात ही नहीं है। जो वो खेलता है ना मतलब अच्छे बॉलर मुंह देते हैं उसके सामने, पता है वो आउट ही नहीं कर पाता उसको। जब फर्स्ट ODI में जब वो खेल रहा था ना यहाँ पे साउथ अफ्रीकन बॉलर्स ना परेशान हो गए थे भाई कि इसको आउट करना कैसे, मतलब ये आउट क्यों नहीं हो रहा बंदा, ऐसे ऐसे करके भाई जो हमारा सैमसन जो मारता है ना ऐसे ऐसे करेगा, उसका सिग्नेचर शॉट है भाई ये, मजा आ जाता है उसका शॉट्स वगैरह देख के, मतलब संजू सैमसन का भाई उसको यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप पे चांस मिलना चाहिए था बट मिला नहीं। आने वाले जो वनडे वर्ल्ड कप होगा उसमें शायद उसको पक्का मिलेगा क्योंकि बंदा बहुत टैलेंटेड है। अब वहाँ पे इसकी बात भी छोड़ो, थर्ड आता है हमारा शुभमन गिल, ये तो भाई लहराते लहराते जो मारता है ना शुभमन गिल बहुत ही बढ़िया मारते हैं यहाँ पे थर्ड ODI में। यहाँ पे इसने यहाँ पे 50 नहीं मार पाया कोई बात नहीं, यहाँ पे बेचारे का मतलब लक खराब था यहाँ पे इसलिए वो LBW आउट हो गया, बट नहीं तो बंदा यहाँ पे 4 देने वाला था, मतलब अकेले उसने 50 मार दिया, 100 रन का टारगेट था क्या यार मतलब शुभमन गिल यहाँ पे। फिर भी यहाँ पे मतलब चलो दो हमारा ईशान किशन तो वो आउट हो गया, शिखर धवन आउट हो गया था, पर संजू सैमसन को 3 बॉल मिला, उसने 3 बॉल में ही मतलब रन बनाए, बढ़िया रन बनाए। और एक प्लेयर का तो मैं नाम भूल ही गया, श्रेयस अय्यर, हाय हाय श्रेयस अय्यर के बारे में तो मैं बोल ही नहीं सकता यार, मतलब बंदा ने 10 मैचेस खेले यहाँ पे ODI के ये 2022 में 480 रन मारे उसने, बताओ अगर मतलब ऐसे मतलब मैं इकोनॉमी या फिर ऐसे बोलते हैं ना कैलकुलेशन, एक पर मैच का आप यहाँ पे पकड़ो ना भाई 50 से ऊपर ही मारा है उसने, क्या बात है, मतलब बंदे ने मतलब बहुत ही बढ़िया यहाँ पे खेला है। श्रेयस अय्यर यहाँ पे सेकंड ODI में 100 मारा था, जो यहाँ पे ईशान किशन नहीं कर पाया उसने उस दिन करके दिखाया था यहाँ पे 100, ईशान किशन का तो बैड लक था। तो ये इससे ये पता चलता है कि इंडियन जो यंग टैलेंटेड प्लेयर्स हैं ना वो बहुत ही टैलेंटेड है, आने वाले टाइम में यहाँ पे वो
फाड़ने वाले पूरे वर्ल्ड की। तो आई होप आपको यहाँ पे बढ़िया लगा होगा ये जो सुन के, यहाँ पे जो हमारे प्लेयर्स जो यहाँ पे प्रगति कर रहे हैं ना, पूरे देश का नाम रोशन करें उसके बारे में। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसी मज़ेदार वीडियो मैं क्रिकेट के रिलेटेड लेके आता हूँ, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और शेयर भी कर देना इसे, अगर मेरे खातिर नहीं तो संजू सैमसन की खातिर।